ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली गोपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुति चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्य जय श्रोता दायुक्ष प्राणाक्ष मुखाद अग्नि जय ज्योति स्वरूप दीपक को नमस्कार कर लो जी। लो हाथ जोड़ के बैठ लो, प्रार्थना करो। हरि ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धस्वाह स्वस्ति ने भूभा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो वरिष्णिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् बृहदस्वाः मरुदः वृषणमातरः शुभम् यामानो विदिते भुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवाय वसागमन्नैः वरं गणैः सर्वयाम देवाभरं पक्षीमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टवाः सद्भुंसीमहि देवहितं यदायुः शतमन्न शरदो अन्तिदेवाय त्रादशग्राजरसं तनो नामा पुत्रासो यत्र पितरौ भवन्ति मानो मध्यारीरीतायोर्गन्धौ अदितिधौरतिथिरन्तरिक्षमदितिमासा स पिता स पुत्रः विश्वे देवाय दधिः पञ्चजनादितीर्जाग्मदतीर्जत्वं धौ गौ शान्तिरन्तरिक्षभुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभुं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेदिषु शान्तिर्भवतु। ॐ सुखमस्यैदन्तस्य कपिलो गजकर्णगहलम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणादक्षो भालचन्द्रो गजाननम् द्वैतस्थानि नामानि आश्रयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे च विघ्नतस्यै न जायते शुक्लाङ्गुरध्वजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो पश्चान्तैव सिद्धा सिद्धर्थो पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके सरळयत्रम्बिकं गौरीनारायणे नमस्ते सरस्तेषां मङ्गलं येषां स्मरामि लाभास्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां राजासां दुर्षामोर्धस्तो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीभिजो भूर्धूर्वाणीर्तीर्णं चिन्तो मयि जना वैवास्ति तेषां नित्या भुक्तायां योगं क्षेममावाभ्यां नमास्मि ते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं वज्रामि शरणं हरि सर्वेशारम्भकारेष्वनीश्रदेवादिसन्तनु सर्वं नो साञ्जनार्दन विशेषो माधवं धण्डखण्डपाणी च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गा भवानी मल्लिकटिकां भक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिं समर्भा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा श्रीमन् महागणाधिपते नमः। हरि ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराणसोतमाय हद्ब्राह्मणे श्री सीतपाराकल्पे वैवट संवस्त्रे श्वेतान्धकलयुगे कल्पतम षडे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते बौद्धावतारे। ये हरियाणा मारा गया ना बल्लभगढ़ क्षेत्र इस जगह का नाम आदर्श नगर और सुभाष नगर क्षेत्र यथा नाम संवस्त्रे 2078 साका 1943 अमुक वासरे मंगलवार वासरे मुख सप्तमी आम तिथो अश्विन मासे शुक्ल पक्षे अपना गोत्र क्या है खाटी गोत्रोत्पन्न नाम जगत सिंह नाम न अपने नाम ले लीजिए अपने मन में श्रुति स्मृति पुराण पुरुषोक्त वेदोक्त फल प्राप्त करार्थम गाय वाचिक सांसारिक मानसिक रोग दोष कष्ट निवारार्थम धंधा व्यापार लाभार्थम लक्ष्मी पर्याप्त पर्याप्त लक्ष्मी स्थिर करार्थम राजद्वारे मान सम्मान करार्थम आयुष आरोग्य स्वर सुख समृद्धि धन धान हेतु महाय देवता प्रसन्नार्थम जागरण निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हेतु सपरिवार सहितम संकल्पम करिष्येति। छोड़ दो जरा बोलो ओम आगच्छन्तु मे भगवन देवस्थाने चात्रो स्थिरो भव यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वं सुस्थिरो भव। हाथ जोड़ के जरा प्रार्थना करो गणेश जी का। ओम गणानां दागणपति गंगवामहे प्रियानां दागणपति गंगवामहे निधीनां दानिधिपति गंगवामहे।
ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूलित सिद्ध ब्रह्मा मध्ये मादगड़ा सशेष तो सागर सर्वे शब्द दीप सुंदर हरि वेद जदुर्वेद साम वेद अथर्वांग सहित कलश समासिता देली के कलश रख दो वहां लो उल्टे हाथ में रखो उल्टे हाथ में दो दो दाने ही डालो ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः महेश्वराभ्याम बाण हिरण्यगर्भाभ्याम नमस्तिविन्द्राभ्याम मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासदेवता लोकपालदेवताभ्यो नमः दिग्पालदेवता क्षेत्रपालदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सप्तसागरेभ्यो नमः सप्तऋषिभ्यो नमः सप्तपर्वतेभ्यो नमः सप्तमातृकायेभ्यो नमः द्वादशलोचनमुपासयितं देवं नमो शम्भवाय नमः शंकराय नमः शंकराय नमः शिवाय शिवराय नमः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वैर्द्रविकं गौरीनारायणी नमस्कृते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सासाधा नमस्कृते ओम या सत्या भवानी लक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियाय हृदये स्मद्दे सन्दासतां बलजन प्रवत्सलज्जां तां धामनता असंपरिकाल देवी लक्ष्मी भ्यो नमो वरुणाय नमः गौरी पद्माश्री मेघा सावित्री विजया जया देव सेना सुधा स्वाहा मात्र लोक मात्रा हिष्टि पुष्टि तथा त्रिशूर्ष मात्रिका यावाहाभ्याम देवी योगिनी परमेश्वरी मागच्छ भगवती देव स्थाने चात्र त्रिभुयावात पूजां करिष्यामि ओम गुरुवे नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः ओम राहुवे नमः ओम केतवे नमः ब्रह्मा मुरारेति भ्रांतिकारी भानो सचैव ओम सतो बुधिस गुरु सुख शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु जरा चार बार इसी से स्नान करा दो लो पाद्यम हस्तोर्गम मुखे जले आचमनीयम समर्पयामि गणेशाभ्याम नमः आवाहय देवी देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवे वस्त्रम हिवाशुवासा परमित वस्त्रान्ते पुनर्जले आचमनीयम मैं आपको मिला के जाऊं दे देता हूं मतलब हुई आईडी बोल रहे हैं एक्टिविटी है बोलिए छत्र वाले गुरु जी की किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है किसी ने पूछा तेरा धर्माल कितना है किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना है पर किसी ने नहीं पूछा माँ के चरणों में प्यार माँ के चरणों से प्यार रखिए जगह जमीन जगंबा है थोड़ी सी फरियाद करोगे Thank you.
बोलो सच्चे दरबार की, थोड़ा आवाज खोली ऐसे नहीं, सच्चे दरबार की। अभी तो सब चले गए नाच कूद के, घर घर के बच्चे हैं, हाँ कहीं तो सोने घटाई देर लगे हैं, लेकिन एक ब्रह्म मेला है, इतना मुहूर्त है, 406 ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें सोना नहीं चाहिए, 4 बजे मिल जाना चाहिए, 6 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए, नहीं उठते यहाँ तो 10-10 बजे तक सोते हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ 4 बजे इस तरह छोड़ देना चाहिए, 6 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए, भगवान का परमात्मा का थोड़ा माँ का ध्यान भी करना चाहिए, यही तो कर्म है, कर्म पूजा है, कर्म जो हम करेंगे वही पूजा में आ जाता है। हाँ बोलो सच्चे दरबार की, कहाँ गए हो जो जिनको हम पूजे पे बैठाए थे, नीचे लगा थे, हाँ पापा बुलाओ, ये बर्दाश्त होगी तारा रानी की, जागरण की अरदासें होती हैं, एक शुरू हुई है पूरी पब्लिक आ जाएगी, नहीं एक तारा रानी की कथा होगी, एक जागरण संपूर्ण की, क्योंकि अरदास जहाँ तक हो सके सभी अपनी एक कमाई से, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, सभी करना, क्योंकि दान पुण्य इंसान करता है, और जो दान पुण्य करते हैं हम वही हमारा साथ देता है, मजबूत खड़ा रहता है हमारे साथ, इसलिए होना चाहिए। आप आइए अपने जोड़ी के साथ, आप पूजक बैठे थे, एक तारा रानी की कथा के अल्लाह साफ कराएंगे, इसी बात बैठ जाएंगे, और जितने भक्त बैठे हैं अपने एक कमाई से अपनी श्रद्धा अनुसार आके माँ के चरणों में मत्था टेक के अरदास कराते हैं, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, तो फिर हमारा जो है सर जी कैमरा वाले सर अब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो बोल दो कि आप यहाँ से कर ले और सारी थोड़ी बात बना लो कैमरा, हाँ हाँ अरदास हो जाए, आप बैठ जाओ कैमरे को ऑन, थैंक यू। कोई आ रहा ना, कोई आ रहा है, ठीक है ठीक है, दूर आ जाएंगे, हाँ जी नहीं देखो सच्चे दरबार की आवाज खोलिए, आप लोग आवाज नहीं खोल रहे हैं, सच्चे दरबार की, हाँ ये बात हुई है, यही तो लेने का टाइम है, ऐसे हम सो गए तो खो जाएंगे, बता दिए तन मन धन सब कुछ समाज के चरणों में अर्पित कर दीजिए, ये फिर से
अब मैं तो कम से कम 10,000 का मैं कमने का बेसिक गाड़ी चाहिए जो 70-65 सबसे, हाँ सबसे सस्ती वाली प्लैटिना होगी, प्लैटिना हो गई, जीटी डीलक्स, स्प्लेंडर हो, सीधी सारी सीट वाली चाहिए। आप इनके पापा की हम चलाए मैं वो बहुत पसंद आ गई सीटी वाली ऑफिसर और इनकी प्लैटिना बहुत मजेदार थी। प्लैटिना प्लैटिना थी, प्लैटिना ही थी दिल्ली में सी डी में करवा लो अरदास मैया के जागे में सोचिए मत, हमने कहा अरदास सभी को करानी है, हाँ अपने श्रद्धा अनुसार शक्ति के अनुसार सभी आइए यहाँ। हरे की करा चाहे घर की करा मैया के अरदास करा, की करा चाहे घर की करा मैया के अरदास करा। ऐसा मिलेगा दर कहाँ मिलती है मुरादें सब यहाँ, एक ही करा चाहे अलग करा मैया की अरदास करा। सरो मैये की अरदास, तेरी सदरी की अरदास, मातृ चरण कमल के पास इनके कारज कर नाराज, इनको सालों साल बुलाना इनके घर में बरकत लाना। महारानी तू ये भंडार भर दे, महारानी तू ये भंडार भर दे, महारानी द्वारे तेरे आए हुए हैं। कैसा सुंदर माता का दरबार छा रही यहाँ चारों तरफ बहार, कैसा सुंदर माता का अरदास करा। भैया
सामने है तेरे भैया, देखो भैया सामने है तेरे भैया। एक तरफ हनुमान और भैरो, बीच में मेरी मैया, देखो भैया सामने है तेरी मैया। कथा सुनाता हूँ भक्तों, आज मैं तारा रानी की परम भक्तिनी जो थी, जगदम्बे मात भवानी की। बोल सच्चे दरबार की। एक राजा स्पर्श थे, माँ के भगत थे, माँ की कृपा हुई उनकी, माँ अपने भक्तों पर कृपा करती है। अगर हमारे अंदर भक्ति है, कहते नहीं भक्त भगवान से भी बड़ा होता है, भक्ति है तो भगवान को माता जी को दौड़ के आना पड़ेगा, हमारे काम को करना पड़ेगा। याद करेंगे, याद को उल्टा क्या हो गया, याद इसका उल्टा कर दो, दया, इसी चीज को याद करेंगे तो उनकी दया होगी हमारे पे। माँ की कृपा हुई, राजा स्पर्श पर उनके घर में कन्या आई, ब्राह्मणों को बुलाया गया, कुंडली पत्रा देखा गया, ब्राह्मणों ने कहा कन्या बड़ी सुंदरी में पैदा हुई है और उसका नाम तासे निकला, उसका नाम तासे क्या लिख दिए, तासे क्या होता है, सारे बोलू जोर से बोलू, तासे उसका नाम तारा रख दिया। उस देने बाद एक दूसरी कन्या आई, फिर ब्राह्मण को बुलाया गया, कुंडली पत्र देखा गया, ब्राह्मण ने कहा एक कन्या जिस घड़ी में पैदा हुई है, ये आपके खानदान का नाम दुआ दी, कहीं कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करत तो तस फल, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, वो गफलत की नींद में सोने वालों धोखा खाएगा, हमारे कर्म जैसे हैं उसी हिसाब से फल मिलता रहता है। इसलिए तुलसीदास भी लिख दिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करत तो तस फल चाखा, यानी हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की। बोले कन्या जिस घर में पैदा हुई आपके खानदान का नाम डुबा देगी। राजा ने कहा पंडित जी से, महाराज दोबारा देखिए क्यों ऐसा हुआ, एक राजा की दो दो कन्या, दोनों के भाग अलग अलग क्यों हो गए। रावण ने बुरा भाग करना शुरू कर दिया तो राजा को बता रहे हैं महाराज ये दोनों कन्याएं पहले इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी, नाच गाने का काम किया करती थी। एक दिन इंद्र के दरबार में लेट आने से इंद्र से कुछ बात हो गई उनकी, इंद्र ने क्रोध में श्राप दे दिया तो इंद्र लोक में जाना पड़ेगा। उन्होंने क्षमा याचना किया लेकिन इंद्र ने कहा श्राप जो निकल गया वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। दोनों बहनें राजा दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में फिर पैदा हुई हैं, तारा रुक्मण। दोनों बहनें एकादशी का व्रत करती थी, एकादशी का व्रत बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत सुबह बुझ करना चाहिए। एकादशी का व्रत था, तारा ने रुक्मण से कहा जा प्रसाद का सामान लावा जा, उसने कही एक दुकान पर भीड़ लगी थी, वहाँ क्या बिक रहा था, मांस, उसने ले लिया, दोनों ने प्रसाद ले लिए, एक दोनों तो चक्री खा गई, एक दोनों लाज रख लिया। तारा ने देखा बोली प्रसाद कहाँ गया, उसने कहा मैं यहाँ, उसने देखा मांस का प्रसाद, बोले तेरा प्रसाद बोला मैं इतना खा गई मुझसे भूल हो गई, उसे क्रोध आ गया, दुष्टनी पाप नहीं बोले श्री आज मैंने एकादशी का व्रत हन किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा जन्म ऐसी होनी भोगा, तेरा भोजन मांस ही रहेगा। बोल सच्चे दरबार की। बिल्कुल धीरे से बोलो, यहाँ सुन लेंगे तो हाँ सच्चे दरबार।
उसने कहा मैंने शराब दे दिया, उद्धार का ही कोई रास्ता बता दे। उसने कहा जिस समय किसी की जान बचा लेगी उसी समय तेरा उद्धार हो जाएगा। बोल सच्चे सिपड़ी की ओटी में चली गई, एक बन में घर बना कर रहने लगी एक पेड़ के ऊपर। द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव के हाथों से कौरवों की सेना मार दी गई। कौरव सोच में पड़ गए, पांडव भगवान के पास पहुंच गए। बोले प्रभु आपने क्या कर दिया, हमारे हाथों से हमारे भाई बंधु को आप मरवा दिए, हम आपके भागीदार हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा एक प्रस्थान करिए देवी के नाम का, ब्राह्मण को बुलाइए, पूजा पाठ कराइए, उनको भोजन कराइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। बोलो सच्चे जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जरा हाथ उठाओ और उठाओ, प्रेम से बोलो, ताली बजाओ, जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज खोलो, जोर से बोलो, माता आई दर्शन कर लो, जरा प्रेम से बोलो, अरे मुँह तो खोलो, तू दर्शन कर लो, दो माता आई जरा जोर से बोलो, बोल सच्चे दरबार की, माता जी का जागरण है तो जयकारा लगाने पड़ेगा, सच्चे दरबार की अनुष्ठान किया देवी के नाम का, रावण को बुलाया पूजा पाठ। वहां एक दुर्वासा ऋषि थे, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया लेकिन क्रोधित थे, क्रोध में नहीं आए। बोले सभा में किस तरह आएंगे, जब वहाँ चक्र शुरू हो गई उन्होंने माया से पक्षी का रूप बना लिए, एक मरा हुआ सर्प ले लिए पंजे में, जाकर एक तीन ऊपर बैठ गए जहाँ प्रसाद बन रहा था, मौका पाते ही मरा हुआ सर्प प्रसाद के अंदर डाल देते हैं। बोल सच्चे छिपली पेड़ से देख रही जा तो राखे साइया बाल न बाका करी सके जो जग पेरी। उन्होंने तो साफ डाल दिया कि प्रसाद खाएंगे सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन छिपली कोई छिपली नहीं थी। धीरे धीरे नीचे उतर आई, प्रसाद के अंदर छलांग लगा दी, छिपली तैरती रही, उसे दोबारा श्राप मिल गया। भंडारी को बुलाया गया, प्रसाद जहर बन गया, गट्ठा खोल के डाल दिया, कोई जानवर खा जाए खत्म हो जाएगा। प्रसाद ले गया भंडारी गट्ठी को डाल रहा है, सांप की हड्डियां निकलती है। भंडारी दौड़ा हुआ है, महाराज आज अगर छिपकली नहीं होती हम सारे के सारे मारे जाते, छिपकली हम सबकी जान बचाई, इसे शराब बेकार के दिया गया, इसे पिया हुआ शराब वापस नहीं होता, इसे आशीर्वाद देता हूँ। इसका जन्म राजा के घर में होगा और इसकी पालना पोसरा एक छोटे परिवार में होगी। बोल सच्ची दरबार की, ये वही दोनों को न्याय है जो आपके यहाँ के बंदी है। राजा ने कहा फिर इस कन्या को क्या किया जाए। बोले महाराज आप कन्या हैं, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह खान खर्च आपको सबको देना है, आप एक काम करिए एक लकड़ी का बक्सा बनवा दीजिए, बक्से के अंदर कन्या को बंद करवा दीजिए, ऊपर हेरे जवाहर चढ़वा दीजिए, गंगा जी में जल प्रवाह कर दीजिए, घर के लालच में कोई भी बक्से को निकाल लेगा कन्या का पालन पोषण कर लेगा। बोल सच्चे एक बक्सा बनवाया गया, उस पर हेरे जवाहर चढ़वा दीजिए, बक्से के अंदर कन्या को बंद कर दिया गया, शाम का वक्त था गंगा जी में जल प्रवाह कर दिया गया, बक्सा का कल चला जा रहा है। बोल सच्चे सुबह का वक्त था, एक पंडित जी स्नान कर रहे थे गंगा जी किनारे, उनकी नजर पड़ी बक्से पर, बक्से पीछे लग गए नहाना धोना छोड़ के, लेकिन उनको बक्सा नहीं मिल रहा, क्यों, अगर उनको बक्सा मिल जाएगा तो कन्या उनके यहाँ चले जाएंगे। उसे शराब था, एक भील बेचारा कुछ दूर के था, पंडित जी ने आवाज लगाया एक बक्सा निकाल लिया, उसने कहा महाराज मैं देख रहा हूँ आप पीछे लगे हो, पहले बंटवारा कर लो। पंडित जी का बंटवारा कर लूँगा, पहले बक्सा निकाल लिया, बक्सा निकाल के लाया, पंडित देख रहे हैं ऊपर हेरे जवाहरात चढ़े हुए, अंदर पता नहीं क्या होगा, पंडित जी बंटवारा करते हैं, ऊपर का माल ले रहा है नीचे का माल, नीचे का माल
आला दौड़ा गया सुंदर कंधा पैर में उठा चूस रही थी पंडित जी बक्सा ले लिए अपने घर की तरफ चल दिए। तो बेचारा भी कन्या को गोद लिया, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। रोज फरियाद करता था गंगा माँ जी, कोई फरियाद जमे, कोई एक औलाद दे दे, कोई एक औलाद दे दे। लेकिन अपने घर पहुँचता है, घर माँ जी को आवाज लगाता, तारा देख तेरे लिए कितनी सुंदर कन्या लाया हूँ। अंदर से आवाज आती है, कन्या इस माँ को देना होता तो मेरी कोख से देती, तो किसी कन्या उठा कर लाया है, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। बोल सबके ले जाए इसे वापस ले जा। उधर पंडित जी बक्सा लेकर अपने घर पहुँच रहे हैं। पंडितानी बोली पंडित जी से, बक्सा कहाँ से लाए? बोले बल्लभगढ़ से। कौन सी कॉलोनी है? आदर्श नगर से बक्सा लाए, आपसे मांग नहीं रहा हूँ, कहानी में इतना जोड़ना पड़ता है। वहाँ हमने जाकर की तो वहीं मिला था। पंडित जी ने कहा भोजन? बोले महाराज हुकुम करो। बोले आज घर में माल आया, भोजन बना डाल सब कुछ। पंडित जी के यहाँ सब कुछ बन रहा था, तो बेचारा घर में घुसने नहीं पाया। दौड़ो दौड़ा पंडित जी, ये पंडित जी आपकी जय जयकार है, बाकी सब बेकार है, आपके यहाँ माल बन रहा, हम घर में घुसने नहीं पा रहे हैं। पंडित जी जल्दी गए उसके घर, उसको समझाया जाए। बोले देख पराया घर है, आज तेरे घर रहेगी, कल और कहीं चली जाएगी, इसे पाल ले। बोल सच्चे। कन्या का गोद लिया, माँ की ऐसी कृपा हुई, ऑटोमेटिक दूध आ जाता है उसको। बोल सच्चे। इसी तरह दोनों बातें बोल रही थी, एक राजा की कन्या, दोनों के भाग, एक माँ बाप के चार संतानें होती हैं, चारों के भाग सचे गलत है, उसके दोनों के भाग कर्मों के अनुसार से गलत पड़ गए। इसी तरह दोनों बहने शादी लाए को बोल। हिमाचल प्रदेश में एक हरिपुर शहर था, वहाँ एक राजा हरिश्चंद्र थे, वहीं तारा की शादी हो गई। और उसी शहर में एक फील्ड के यहाँ रुक्मण की शादी हो गई। रुक्मण की शादी जिस घर में हुई, रुक्मण के साथ तारा के बंगले में जाती थी, साफ सफाई करने, भक्ति दोनों बहने कर रही हैं, भक्ति किसी की कम नहीं है, पर कर्म का चक्कर है, कर्म अलग अलग हो गए। देखिए गरीब बहू अच्छी है, उसने कहा तू घर के अंदर का काम कर ले, मैं बाहर का कर लूंगी। लेकिन वक्त एक दिन ऐसा आता है, सभी को बाहर निकलना पड़ता है, सास भी कभी एक दिन बहू को कहीं जाना पड़ गया, उसने सास को जाना पड़ गया, उसने बहू से कहा जा आज मंदिर में सफाई करना। बड़ी खुशी हुई उसको, माँ के दरबार में जाने का मौका मिला, खुशी खुशी गई, ना झाड़ू ले गई, ना पानी ले गई, अपने बालों से मंदिर की सफाई कर रही थी। बोल सच्चे। कितनी उसकी सास आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है उसकी सास, कहाँ पर आ गई मंदिर आ गई, जोर से बोलो ना, क्यों करो, उसकी सास कहाँ पर आ गई, तो सो रहे तो कथा कहाँ से समझ में आएगी। आप अपने घर से बाहर जाओगे, वापसी में कहाँ जाओगे, अपने घर से बाहर जाओगे वापसी में कहाँ आओगे, घर पे आओगे ना, वो भी घर पे आ जाता है। घड़ी का टाइम देखा, बहू नहीं थी, जो समझ गई, जाके मंदिर में देख रही, बहू बालों से सफाई कर रही थी, उसने कहा अरे वाह अच्छी खासी बहू, मैंने तेरे दरबार में भेज दिया, तेरे किसी पागल कर दिया। बहू सास को समझा रही, वहाँ क्या कह रही तू, ये देवी देवताओं का स्थान, यहाँ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू कहाँ लगती है, सड़कों पर लगती है, नालियों में लगती है, छतों पर लगती है, सास समझाई तो मैं किसी पागल समझ रही थी, चली गई घर सास बोलूँ। कर्म के हिसाब से मांस बेचने का काम था, शाम के वक्त कोहरे में मांस रखकर बाजार में भी आगे आ गया, तारक कहाँ जागरण हो रहा था, आज के दिन दो जागरण है, एक यहाँ हो रहा है, एक तारक यहाँ। ढोलक सैनी की आवाज़ सुनी, सास बहू दोनों जाके बैठ गई, सास को फट गई चली गई, बहू रात भर बैठी गई, वहाँ भी जागरण हुआ, जैसे नाम हुआ है भजन करता नाम घर चले, जागरण सब पूर्ण हुआ, तारा ने सबको प्रसाद दिए, बाहर देखी रूप बैठी हुई थी, उन्हें पहचान लिया, बोले मैंने प्रसाद ले, उसने कहा मैं तेरी बहन, तू राजा की रानी में है, रानी तेरी बहन कैसे हुई है, उसने कहा तेरे कर्म खराब है, कोई किसी सड़क नहीं है, यहाँ हम ले आए तुम्हारा कोई रिश्ता होगा, यहाँ जिसका रिश्ता हो पहुँचता होगा, नाम का फर्क है, जात का फर्क है, रूह एक है, आत्मा एक है, कर्म के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। बोल सच्चे। ये प्रसाद है, क्या हो रहा था जागर, जागर होता क्या, शक्ति का दरबार है, कोई अगर सच्चे दिल से फरियाद करता है तो खाली नहीं जाता, मानने
तेरा तुझको अर्पण क्या लाके दे रहा, तेरा दिया हुआ सब तुझे अर्पण करके दे रहा क्या है, कुछ नहीं, क्या मिलेगा मुझे, कुछ नहीं मिलेगा, तेरा ही है तुझे अर्पण हो रहा है, बोल सच्चे। उसने कहा बात मेरे पास एक बच्चा नहीं है, एक अरदास लगा दिया, उसने अरदास लगा दिया, 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पाते ही माँ को भूल गई, सुख दिन आ गया, सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करे दुख, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे, हम सुखी हो गए लेकिन तो माँ को भूल गए, होता है, हरदम नाम लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, एक प्रतिज्ञा बना लेनी चाहिए, दूसरा काम छूट जाए लेकिन हमारा जो संकल्प चल रहा हो नहीं छूटना चाहिए, बोल सच्चे। बोल गई, बच्चा 5 साल हो गया, बच्चा बीमार पड़ गया, चेचक निकल आई, डॉक्टर के पास गई, वैद्य के पास गई, बच्चा ठीक नहीं हुआ, जान मुश्किल में पड़ गई, इंसान की जान मुश्किल में पड़ती कहाँ पर जाता है, जान संकट में पड़ती है तो कहाँ पर जाता है मनुष्य, या तो दवा लेता है या तो दुआ, या तो डॉक्टर के पास जाएगा या तो संत फकीर के पास जाएगा, दुआ लेने के लिए दो ही रास्ते हैं, उसकी जान संकट में पड़ गई, कोई भगत मिला, डॉक्टर के पास गई, हकीम के पास गई, वैद्य के पास गई, बच्चा ठीक नहीं हुआ, कोई भगत मिला उसे सलाह दी, क्या एक तारा रानी माँ की भगत है, उसके पास चली जाए, हो सकता तेरा बच्चा ठीक हो जाए, बोल सच्चे। गोद में बच्चे को लिया, तारा के पास पहुंच गई, गांव मेरा बच्चा बीमार, उसने ध्यान किया, उसे पता चल गया, उसने कहा तैने माँ के दरबार में कुछ गलती की है, उसने कहा तुम याद कर ले तैने गलती की है, बोले मैंने क्या बोले, बोली जा जागरण करा ले तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, पंडित जी के पास गई, पंडित जी ने कहा जागरण कर दो, पंडित जी ने कहा मंदिर में पैसे दे जाए जागरण कर दो, उसका सारा हो गया, माँ ने तारा को दर्शन दिए, दर्शन दिए माता जी ने, खुश होकर बोली क्या चाहिए, मैं तृप्त हूँ तारा तेरी भक्ति से, ले माँ तेरा जो जी चाहे, तारा ने कहा माँ है राज पाट और पुत्र सभी सब कुछ है तेरे के पास, हसला घोड़ा और हाथी है, माँ गजरत महल दुमाले भी फौजे पलटन भी काफी है, कर देना चाहे बात, माता जी ने सुन लो क्या मांग रही है, भक्ति का वरदान मुझे भक्ति दे दे माँ, अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दे, मैं तेरे नाम का गुणगान करूँ, बोल सच्चे दरबार की। माँ ने कहा तारा तलवार के धार पर चलना बड़ा सरल काम है, भक्ति के मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल काम है, बोल साचे साचे दरबार की, दरबार की। कोई दिल से नहीं सुन रहे हैं, एक दो मदद सुन रहे हैं बस, मन नहीं लग रहा किसी का, छठा भागवत आजकल शुरू किया था, उसके साथ भी ढोलक बाजा साग वाग रहता है, तब अच्छा लगता है, तो दिल बैठती है, सुन लो सुनो पंडित जी का आदत में हमें बोले, हाँ हाँ बोलो सच्चे दरबार की। तारा ने कहा माँ है राजपाट और पुत्र सभी, हसला घोड़ा और हाथी है, माँ गजरत महल कुमहले भी फौजे पलटन भी काफी है, सब कुछ है माँ तेरे के पास, कर देना चाहे आप मुझे, माता जी अब सुन लीजिए, भक्ति में तुम्हारी करती रहूं इतना सबर दे दीजिए, मैं चाहूँ भक्ति का। माँ ने कहा दूसरा वरदान मांग ले, तारा ने कहा मुझे भक्ति चाहिए, माँ ने कहा मेरी शर्त होगी, अगर तू भक्ति ले मेरी शर्त होगी, भक्ति का वर चाहिए करना नहीं गुरु, जहाँ जागरण हो मेरा तेरे जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़े जरूर नहीं, कुछ भेदभाव तुम रखना, भाई शिशु रचित बाबू कर सकते,
वैश शूद्र कोई भी हो आदर सबका करना चाहते हो कितना ठाकुर वैश हो मेरे नाम का जागरण कहीं भी होगा तुझे जाना पड़ेगा सतबा बोल सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की तारा ने कहा मां मैं जाऊंगी मुझे भक्ति के वरदान दे मां प्रसन्न हो गई बोली तारा तुझे तो वरदान दे रही हूँ एक वरदान भक्ति का दूसरा वरदान मुझे दुखी होके याद करेगी मैं तुझे जरूर मिलूंगी बोल सच्चे दरबार की मां तर ध्यान हो गई लेकर वीर को साथ ले लिया कहाँ जा रही हूँ उनके पास रुपड़ की सास जो थी पोते को घोम लेने की सोई थी 5 साल का बच्चा हो गया उसका भ्रमण भी हुआ था हनुमान जी को कहाँ जा सक रहे हैं फूक देवा आई है हनुमान जी जाके फूक देते हैं रुक जाती है बोल सच्चे दरबार की उसे कुछ दिखता नहीं माँ घर में प्रवेश कर जाती है सामने स्वरूप आती है देखिए आमने सामने बात हो रही है दोनों की आमने सामने माँ की हुकूमत की बात हो रही है तेरे जागरण बोल रखा था अभी तक नहीं कराई माँ अच्छा हुआ तू आ रही मैं तेरा जागरण बोल के माँ परेशान हो गई और ऐसा कर भरत को बता दे जागरण मैं कराऊंगी बोले चल ले ले चल कहाँ गए राठी परिवार कहाँ गए राठी परिवार चल दिए थे यहाँ पर या बना के रखे हैं जो चावल पीले होते हैं पीले चावल उनको दिए थे जिन्होंने जागरण कर रहे थे उनको पीले चावल दिए थे आप पीले चावल करके दिए थे भाई जी को डल डल नहीं दिए थे थोड़ा चावल हाँ सरवा तो चला दिया हाँ ले जा तारा को देख चली आप तेरा जागरण करेगी उसकी परीक्षा भी हो जाएगी तेरा जागरण हो जाएगी डर लेकर जाके तारा के पास पहुंच गई जमीन पर दिया तारा को बहुत आया उसने ताता जन दिया उसको बोली मैंने जागरण नहीं कराना मैं जाना है उसने कहा मैंने तुझे मारा किस लिए तूने माँ के डर का अपमान किया है इधर बड़ी इज्जत के साथ दिया जाकर बोल सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की दरबार की जा तेरा जागरण कब करना बोल जब तेरी मर्जी पर्चा दे दिया बोला तेरा जागरण आज ही होगा आज जा सामान इकट्ठा कर ले सबके यहाँ बुलावा दे दे राजा शिकार करने गया शिकार करके वापस आएगा मैं उसे खिला पुजा सुना के तेरे जागरण में आ जाऊंगी बोल सच्चे की बात सारे शहर में फैल गई आज राजा की रानी रुकड़ी यहाँ जाएगी जागरण करेगी प्रसाद खाएगी राजा को खिलाएगी राजा शिकार करके वापस आ रहा था शाम को रुकता था बाजार में गाड़ी या गाड़ी बनवाने लगा एक सेना नहीं कर जो राजा की गाड़ी बनाता था थोड़ा सा सालों राजा के मुंह में चला गया राजा कुछ गुस्से में बोल रहा दुष्ट पहले ईमान भ्रष्ट कर दिया नारी कहा राजा आपका मुँह आपके मुँह साबुन आपके मुँह में चला गया आपका ईमान भ्रष्ट हो गया आपकी रानी तारा रुकड़ यहाँ जा रही जागरण करने वहाँ प्रसाद दिखाएगी आपको खिलाएगी फिर आपका ईमान कहाँ जाएगा राजा चौक पड़ता बोला सच का हाँ बोला मुझे जागरण कोई भर था उस तरह लगा दिया मुझे चीरा लगा दिया नमक पर चिरा दिया राजा क्या कर दिया मैंने ठीक कर दिया राजा साहब इसे रात भर दर्द होगा तुम्हें नींद नहीं आएगी तुम्हें नींद नहीं आएगी तो रानी जागरण में नहीं जाएगी बोल सच्ची राजा घर पहुंच गया फिर से देख लिया रानी भोजन बना के तैयार रखी थी राजा ने महलों के चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दिए ताले लगवा दिए रानी भोजन खिला पिला के राजा को सुला दिया राजा सो जाए मैं जागरण में चली जाऊँ लेकिन राजा को नींद कहाँ पतला पतला डाल के देख रहा है फिर उसे चैन नहीं है बोला रानी आप मुझे कष्ट है मेरे पास बोला रानी आके रो गई पते पति परमेश्वर का आरोप होता है पति अरे बोलो ना पति तुम्हारा ऊंचा पति है तुम उससे ऊपर हो बता दे पति प्रधान होता है क्या होता है औरत क्या होती है महान पति केवल प्रधान होता है औरत
महान कौन बड़ा हुआ? महान बड़ा हुआ प्रधान महान हुआ ना। हाँ तो तुमका पति पर अवसर करने के डर रहे हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की रानी बैठ गई। रानी के चंगे प्रवेश साधक का राजा सो रहा है, देखता हूँ कैसे जाती है। लेकिन माँ ने कहा था रानी मुझे याद करेगी, मैं तुझे जरूर मिलूंगी। उसने माँ का ध्यान किया। ठंडी ठंडी हवा चली, राजा को मिल गया। घोड़ा उठाया एक झोला, आगर में आकर खड़ी हुई, देखे दरवाजे बंद पड़े, साकर रोहे की पड़ी हुई माँ से भरिया। माता जी भी क्या रस्ते हो गए बंद, पल पल देरी हो रही, माँ काटो आकर फंद, काटो आकर फंद माँ, तो मैं तेरी शरण में आऊं। वचन दिया रुक्मणी को माता, कैसे वचन निभाऊं, मुझे जगराते है जाना, लौट कर घर भी है आना। माँ से विनती करना प्रिया, जिसके आंखों में आंसू आ गए। देवी देवताओं को पकड़ने का दो ही उपाय है, आंसू आ जाए ना पकड़ो, नहीं तो लठ के खड़े हो जाओ। यही दो रास्ता है पकड़ने का, बीच वाले नहीं पकड़ पाएंगे बिल्कुल भी। एक तरफ चलना पड़ेगा, कभी कामयाबी मिलेगी। बोल सच्चे दरबार की, दरबार की तारा रानी के जमी बहे नयन से धार, आंसू आ गए उसको। तारे टूटे एकदम सो गए पहरे, पहरेदार सो गए, पहरेदार सो रहे काले अपने आप टूट गए। कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे 12 बजे भी काले, हमारे देवी देवताओं में शक्ति काले अपने आप हम टूट गए। सनातन धर्म में बड़ी शक्ति है, युद्ध करने वाला होता हम भी हमारे सहारे पड़े हैं, सब छोटी हैं, वही देख रहे हैं, यहाँ भी देख रही, वहाँ भी देख रही, वहाँ भी देख रही, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल फिर यहीं आना। बोल सच्चे दरबार की, अंधेरी रात बादल गरज रहे, बिजली कड़क रही, उसको एक घुन लगी है माँ के दरबार में जाने की, चली जा रही है। गानों से सजी थी, अच्छे अच्छे टोपे पहने थे, चोरों ने पीछा कर लिया ऐसे लोग, लेकिन चोर हाथ नहीं लगा पाया, मुझसे भी खड़े मार दिया, पाल गिर गई रानी की, रानी आगे निकल गई, उसने पाल के समझा। राजा की नींद खुली, पीछे पीछे राजा जा रहा है, वही चोर बैठा हुआ है, राजा देखिए रानी निकल गए, चोर से नौकरी चक्कर आ गई। राजा ने प्रवाह दिया, संक्रमण लक्ष्य कर दिया, पाल उठा के जेब पर दिया, रानी को पकड़ो। रानी पहुंच गई वहां रुकने के मोहल्ले में, वहां जाके सामान मांगा, सारा पूजन का तैयार किया, ज्योति चली, जैसे ज्योति जलाई बात की, समय हुआ प्रभात, प्रभात की गाई गई दीति सारी रात, बड़ी दी पकड़े की, उसके हाथ आने जा रहा है, पकड़े की बड़ी चली, सभी को पता चला। बोल सच्चे दरबार की, रुक्मणी के यहाँ जो जागरण हुआ है उसने कलश होमा है, रुक्मणी सबसे पहले थोड़ा चावल डालो उसे मारा, राठी परिवार के लोग पूजन कर रहे थे, बुलाओ जो उनको हाथी है, बहुत अच्छे से लगा, हाँ हाथी परिवार के, हाँ आप आइए, कलश आपके सामने जाएगा, जब तक
ऐसे लोग बंद कर लो वहाँ से सबको दिखा दे वहाँ तारा रानी को प्रसाद दिया जा रहा है। सबसे पहले तारा रानी को प्रसाद क्या मिलता है वहाँ और यहाँ भी तारा को प्रसाद क्या मिल रहा है। चार पैर झोले में धर जय माता जी जय माता जी कहती तारा जाती घर बोल सांचे दरबार की। प्रसाद को झोले में डाले थोड़ा प्रसाद तारा को प्रसाद क्या दिया गया फुलके चावल बकरे का सर ये चार पैर झोले में धर जय माता जी जय माता जी कहती तारा जाती घर। राजा राम पर बैठा बड़ा प्रसन्न था। प्रसाद देखते ही आग को बुला हो गया नाम ध्वस कर दिया तलवार लेके रस्ते में खड़ा हो गया। बोल सच्चे रानी को क्या पता राजा आया है। रानी को बस प्रसाद जी झोली पकड़े कुमार का नाम जबकि चली जा रही जय माता जी झोल से बोलो सारे बोलो अरे सौ के बोलो प्रेम से बोलो जोर से बोलो दिखा तेरी छोली में क्या है। रानी डर गई अगर राजा का ये लक्ष्मण का प्रसाद मेरी छोली में निकल आता तो आज राजा मेरी छुट्टी कर देगा। बोल सकते राजहट बड़ी अच्छी बात है सुन लेना सभी राजहट भाइयों के लिए खास कर बालहट जोगी हट तीन हो गए एक कठोर है इसको बुद्धिमानी से सौदा लेना चाहिए ना नुकसान हो जाता है। बच्चा का कहना चंद्रमा चाहिए चंद्रमा क्यों ला दे उसको समझाना पड़ेगा। जो भी कोई सन्यासी उससे भी हक नहीं करना चाहिए राजाओं से भी हक नहीं करना चाहिए राजा ही लोग होते हैं और बाकी तो सामने हैं जिनका हट में बड़ा खतरनाक होता है समझा बुझा के समझा लें तो उसी में हराई है। बोल सच्चे दरबार की रानी समझ गई राजा हट कर गया मानेगा नहीं। बातचीत करते करते घर पहुंच गए रानी ने कहा राजा माँ के पंथ को जानना चाहता है तो मैं जो कहूँ मुझे करना पड़ेगा। राजा को विश्वास नहीं हुआ झोली के अंदर हाथ डाल देता है। सबसे पहले राजा के हाथ हो बकरे का सर आया बाहर निकाला तो नारियल बन गया। बहुत सच्चे दरबार माँ की कृपा से हुई राजा चौंक पड़ा दोबारा हाथ डाला फिर निकाला तो फूलों की माला बन गई तीसरी बार डाला तो छड़ी बन गई चौथी बार फिर हाथ डाला तो छोटे छोटे जो पंचमियों के प्रसाद बन गए अभी आपको मिलेंगे राजा का आप जादू जानते हैं कोई जादू नहीं मेरी माँ का पंथ है मेरी माँ के पंथ को मैं जानना चाहता हूँ मेरी माँ के पंथ को जानना चाहते हैं जो कुछ कहूँ तो करना पड़ेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ बता तेरी माँ का क्या पंथ है। राजा चिल्ला मत तेरा अच्छा है उसको काटना पड़ेगा। राजा तलवार उठा लिया मालों से बच्चे को आवाज दिया बच्चा दौड़ा हुआ आया सर धड़ा लक्ष्य कर दिया। बोल सच्ची दरबार की राजा हिल गया अरे रानी तेरे पुत्र दिया रोहित तो तेरो जायो पुत्र तने भिजवा दियो जगन से। बोल सच्चे दरबार की हिल गया राजा बता रानी तेरी माँ का क्या पंथ है। राजा तेरा घोड़ा जो बड़ा प्यारा उसको भी काटना पड़ेगा बोले बता छोटे छोटे टुकड़े कर ले बेटा
छोटे छोटे टुकड़े कर लिया। अब पता छोटे रख के रख दिया, पता इसमें आग लगा दी। नहीं नारी, ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरी माँ में शक्ति है तो चूल्हे में अपने आप आग लगनी चाहिए। बोल सकते चलो हाथ थोड़े भोजन ला लिया, तारा माँ से फरियाद कर रही है, हम लोग भी कर लें का समय शायद कुछ मिल जाए। हरे मेरी लाज बचा ले महारानी, आरी बोलो सो मेरी लाज बचा ले महारानी, तेरा सदा भरूं मैं पानी। अब मेरी लाज सोने का लोटा गंगा जल पानी, बोलो सभी स्नान कराऊ महारानी, तेरा सदा भरूंगी मैं पानी। अब तू सबकी लाज बचा ले महारानी, तेरा सदा भरूं मैं पानी। अब सबकी इसी इसी चंदन माता भरू मैं कटोरी, अरे घिसी घिसी चंदन माता भरू मैं कटोरी, तोहे तिलक लगाऊ महारानी, तेरा सदा। अब मेरी लाज बचा ले मह पान सोपारी मैया ध्वजा नारियल, पान सोपारी मैया ध्वजा नारियल, तेरी भेंट चढ़ाऊ महारानी, तेरा सदा। अब मेरी लाज बचा ले महारानी, गिरी चुहारे माँ किसमी सिनेवा, तोहे भोग लगाऊ महारानी, तेरा सदा भरू मैं पानी। अब तोहे तेरा सदा, अब मेरी लाज बचा ले महारानी, जरा जोर से बोलो सारे बोलो मिलकर बोलो, थोड़ा ताली बजा लो, आवाज खोलो, वो माता रानी वो दर्शन कर लो, जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो, वो जिज्ञा बोलो वो दर्शन कर लो, बोल सच्चे दरबार की माता जी का जागरण है तो क्या कारण बताओ, कभी खत्म नहीं हुआ। बोल सच्चे दरबार की माँ का ध्यान किया, ज्वाला जी से चिंगारी चली, चूड़ी मांग लग गई, खाना बन के तैयार हो गया, माँ ने आके आदेश दिया राजा पांच साल लगा ले, हाँ भोग लगा दिए, एक दे दिए, हाँ हाँ तो आ जाए पांच भोग लगे मनवाली जी, एक भोग लगा तो दे देना मिला देंगे, हाँ पांच भोग चना होगा भगवान जी, भोग सच्चे दरबार की। राजा एक थाल उठा ले, उठा लिया अपने बेटे को दे दे, बेटा तुम्हें काट दिया हूं, आवाज लगा। राजा आवाज करता है, बालों से पुत्र दौड़ा हुआ चलाता है, घोर साचे दूसरा थाल उठा ले, उठा लिया घोड़े को दे जा, घोड़ा मां ने काट दिया हूं, दूसरे घोड़े को दे के आ जा। राजा घोड़साल में गया, वही घोड़ा उसको मिला जिसको सुने प्रसाद जो ले गया था, किसका था वो मांस का था, प्रसाद क्या बन गया चना हलवा, फटाफट घोड़ा खा गया, बोल सच्चे। राजा दौड़ा हुआ आया, माँ के चरणों में गिर गया, माँ आज से मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। माँ ने कहा भगत तू नहीं भूलेगा,
नहीं तुझे नहीं घूमूंगी, तू एक कदम चलेगा मैं 10 कदम आऊंगी। भक्तों एक कदम बढ़ा कर तो देखिए, मंजिल मिलेगी पांव उठा कर तो देखिए। भक्ति है कैसी आप समझ जाइएगा खुद, पहले आके चरणों में सर झुका कर तो देखिए। बोल सच्चे दरबार। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ इसके ऊपर, राजा प्रसन्न हुआ किसके ऊपर? माता रानी के ऊपर नहीं हुआ, अपनी धर्म पत्नी के ऊपर हुआ, रानी के ऊपर। रानी नहीं होती तो राजा को मार्गदर्शन नहीं देती। अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। एक चेला था गुरु पर, गुरु पूजा कर रहे थे, चेला ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? बोले भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। बोले मुझे आज मिला दो नहीं तो मार दूंगा तुम्हें। चेला लठ लेके खड़ा है, गुरु डर के मारे माला फिरा रहे हैं, गुरु जी उठ नहीं रहे हैं। चेला लठ लिए खड़ा है, भगवान को प्रकट होना पड़ा। आगे गोविंद खड़े हो गए, चेला देख रहा है गुरु जी बैठे हैं, गोविंद भी खड़े, पाए किसके लोग? उसे अकल आ गई, अगर गुरु जी नहीं होते तो गोविंद जी नहीं आते। जाके पहले गुरु के चरणों में पड़ गया, बोल सच्चे दरबार की। इसलिए राजा भी रानी से बड़ा प्रसन्न हुआ। रानी से राजा कह रहा मैं धन्य हो गया तेरी जैसी धर्म पत्नी पाकर, आज वरदान मांग ले। रानी ने कहा वरदान क्या देना है राजा? मां की कृपा से सब कुछ है, वरदान देना है तो एक काम करिए, एक मां के नाम का मंदिर बनवा दीजिए, उसके अंदर मां की मूर्ति स्थापित करवा दीजिए, बाहर हमारा अपना नाम लिखा दीजिए, आने जाने वाले भगत माँ का दर्शन करेंगे, बाहर निकल कर हमारा आपका नाम पढ़ेंगे, यही नाम जग में अमर होता है। बोल साचे जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता का, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता, सुखी करनी दुखी करनी तू ही है मामाई, तेरे भगत ने अपने घर में तेरी ज्योत जलाई, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता, सुखी हरनी दुखी करनी तू ही है जगमाता, दुखी करनी दुखी करनी तू ही है जगराता। सारे भक्त करे जागरण पंडित जी साथ निभाता, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता। ये भजन आप लोग गा लीजिए, मात्र भक्तों को आशीर्वाद देती है श्रवाना। माँ कह रही है हर मंदिर से थोड़ी चली आऊंगी, थोड़ी दिल से पुकार मंदिर, दिल से पुकारे, दिल से पुकारे, कर लो भजन कर लो टाइम हो जाए। मंदिर से थोड़ी चली आऊंगी, पहला संदेशा भोले बाबा का आया, पूरा बन के चली जाऊंगी, मंदिर से दूजा संदेशा मेरे राम जी का आया, सीता बन के चली आऊंगी,
मंदिर से दौड़ी तीजा संदेशा मेरे कृष्णा आया ओ राधा परिक चली आऊंगी चौथा संदेशा सारे भक्तों को आया भक्त के स्वरूप में मां को बुला रहे हैं मां के स्वरूप में आती है कन्या करो धरियाऊंगी कोई दिल से पुकारे कन्या का रूप धरी आऊंगी कोई दिल से पुकारे भोले सच्चे दरबार की बुला जी कहाँ गए मौसम आरती होगी एक संपूर्ण अरदास होगी यहाँ जाग संपूर्ण हो गया संपूर्ण जागृत अरदास पचास रुपये करदास जागरण संपूर्ण करदास तेरी भगत करदास हाँ तेरी चरण कुमारी देना सुख शांति देना माँ सुखों का वास करना दुखों का नाश करना भूल सच्चे दरबार की हरे अरदास आई हे अरदास आई भागो में बहार आई भागो में बहार आई जिसने ये अरदास कराई उसको जाने ये मारवाई उसकी हो जा तू ही सहाई बर दे दे बर दे दे गुफा के बीच रहने वाली है सभी खड़े हो जाएंगे बचपनिया सांग पर Oh, yeah, yeah, yeah.
¡Ay, para acá!
दो 10 मिनट, रहने दो 10 मिनट। फोन चार्जिंग करना भी लगा लो अंदर अभी ले जा ला रहे। अरे आप खाओ चम्मच तो ले आओ। अभी अंदर अंदर खाते हैं, अंदर चलते हैं। अरे अंदर आ जाओ, पैक तो करा दो। अरे बंद करा दें। बिल्कुल निकाल लो, निकाल लो इसको। अच्छा निकाल दिया ना। हाँ थोड़ा कम नहीं नहीं वो पैक में ये वाला नहीं, ये ले वो मेरे को दे, ये ले ले बस कम मेरे को पसंद है। तो पैक करवा दूँगा, खाओगे आप क्या? ना मुझे गर्म हो जाए थोड़ा सा। नहीं यार नहीं यार, रात्रि में तो मैं 9 दिन घूम के खाता हूँ भंडारा। गुरुद्वारे में भी देते हैं आप? क्यों बता दूँ आपको, वैसे घर में बनवा लो, होटल में बनवा लो, टेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा जो टेस्ट आपको गुरुद्वारे में या भंडारे में मिलेगा। हाँ वो जो घी होता है असली की बात, वो अलग ही टेस्ट है। हाँ रास्ते में कितना मिल रहा था? नवरात्रि के दिन में कालका जी मंदिर के पास भंडारा लगता है। हमने अल्फला के पास रोक के अच्छा उनसे बकाया प्रीमियम पैक करा लिया पूरा। ये ऐसी होता है नवरात्रों में, कभी चले जाओ आपको हर जगह मिलेगा। अपने घर अलग है यार, वो टेस्ट नहीं मिलेगा कहीं। हाँ वो टेस्ट नहीं मिलेगा। अभी आपने लिया नहीं? लो अभी ले लो। कमाल की बात है कि वो टेस्ट है ना हमारे पास। सब्जेक्ट बहुत मार्केटिंग मेरे को 800 देने पे जाते हैं, मुझे वो काम मिल जाएगा। आपके 800 मिला दो, उनके 800 मिला दो, मेरे क्या है जॉइंटली सबको काम मिल जाए। क्या क्या बताइए करोड़ों की लाखों की ड्रेस जिनकी वीडियो आज तक नहीं बनता, फिर हमें करना क्या है? ये देखो ऐसा है, अभी घर जा रहा हूँ ना, बात कर लेता हूँ। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो
यानी ग्रुप में है बेटर लिंक ना मैं क्या अच्छी अच्छी चीजें आप तुम पर्सनल टच है उनको बड़ा भाई ऐसी वीडियो अभी हम कर रहे हैं बैठे ही चाहिए क्या चाहिए कर पता हम कर ऑर्डर ऑर्डर कर टूर्नामेंट टूर्नामेंट ऑर्डर लो डेली सेमीफाइनल फाइनल पकड़ लो मजा आ गया मजा आ गया ना कोई चीज़ छूटी नहीं है चाय मिल रही कोल्ड ड्रिंक मिल रही बिस्किट मिल रहा शुरुआत मिल रहा फिर क्या मिला और डिनर तो मिल ही गया ये भी मिल रहा कुछ भी कम थोड़ा और ले लो ऊपर घालो आप इसको करो ये रखो इसको हाँ छोड़ दो अब इसको कर लाओ लाओ हाँ इसको मिला लाओ बाबू यहाँ पर बहुत है हम लोग घर ले जाएंगे ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग चालू है किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है किसी ने पूछा तेरा धर्माल कितना है किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना है पर किसी ने नहीं पूछा माँ के चरणों में प्यार माँ के चरणों से प्यार रखिए जगह जमीन जगंबा है थोड़ी सी फरियाद करोगे है इतने
बोलो सच्चे दरबार की, थोड़ा आवाज खोलेंगे ऐसे नहीं, सच्चे दरबार की। अभी तो सब चले गए नाच कूद के, घर घर के बच्चे हैं, हाँ कहीं तो सोने घटाई ये लगे हैं, लेकिन ये ब्रह्म मेला है, ये ब्रह्म मुहूर्त है, 406 ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें सोना नहीं चाहिए, 4 बजे मिल जाना चाहिए, 6 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए, हाँ नहीं उठते यहाँ तो 10-10 बजे तक सोते हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ 4 बजे इस तरह छोड़ देना चाहिए, 6 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए, भगवान का परमात्मा का थोड़ा माँ का ध्यान भी करना चाहिए, यही तो कर्म है, कर्म पूजा है, कर्म जो हम करेंगे वही पूजा में आ जाता है। हाँ बोलो सच्चे दरबार की, कहाँ गए हो जो जिनको हम पूजे पर बैठाए थे, नीचे लगा थे, हाँ पापा बोला ये बर्दाश्त होगी तारा रानी की, जानवर की बर्दाश्त होती है, एक शुरू हुई है पूरी पब्लिक आ जाएगी, नहीं आएगी, एक तारा रानी की कथा होगी, एक जानवर संकोच की, क्योंकि यहाँ से और बर्दाश्त जहाँ तक हो सके सभी अपनी एक कमाई से, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, सभी कराना, क्योंकि दान पुण्य इंसान ही करता है, और जो दान पुण्य करते हैं हम वही हमारा साथ रहता है, मजबूत खड़ा रहता है हमारे साथ, ये होना चाहिए। हाँ तो आइए अपनी जोड़ी के साथ आप पूजा को बैठे थे, एक तारा रानी की कथा के अल्लाह साथ कराएंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे, और जितने भक्त बैठे हैं अपनी देख कमाई से अपनी श्रद्धा अनुसार आके माँ के चरणों में मत्था टेक के अरदास कराते हैं, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, कृपया करना महाराज जी। सर जी कैमरा वाले सर अब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उनको बोल दो कि आप यहाँ से कर ले और सारी पूरी बात बना लो, कैमरा हाँ हाँ बता सुन रहे, आप बैठ जाओ कैमरे को ऑन करो, थैंक यू। सही आ रहा ना, सही आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, दूर आ जाएंगे, हाँ जी नहीं देखो सच्चे दरबार की आवाज खोलिए, आप लोग आवाज नहीं खोल रहे हैं, सच्चे दरबार की, हाँ ये बात हुई है, यही तो लेने का टाइम है, ऐसे हम सो गए तो खो जाएंगे, बता दिए तन मन धर्म से कुछ हमारा चरणों में अर्पित कर दीजिए,
बच्चा नहीं मिलता और मैं अपनी जिंदगी देखता हूँ तो कम से कम 10,000 का मैं कमने का बेसिक गाड़ी चाहिए जो 70-65 हज़ार सबसे हाँ सबसे सस्ती वाली प्लैटिना होगा जीटी डीलक्स बस स्प्लेंडर होगा बस सीधी सारी सीट वाली चाहिए आप उनके पापा की हम चलाए मैं वो बहुत पसंद आ गई सीटी वाली अक्सर और उनकी प्लैटिना बहुत मज़ेदार थी प्लैटिन हाँ प्लैटिना थी प्लैटिना ही थी दिल्ली में सी डी में सीटी 100 करवा लो अरदास मैया के जागे में करवा लो अरदास मैया के जागे में दादी के जागे में दादी के जागे में करवा लो अरदास मैया के जागे में करवा लो अरदास मैया के जागे में 11 रुपए की अरदास 11 रुपए की अरदास तारा रानी की अरदास आखिर चरण कमल के पास इनके कारज कर नाराज भरते देखो भाग बीच रहन वाली रानी दर तेरे आए हुए हैं बेड़ा पार करो माँ मेरा उद्धार करो माँ मेरी सेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ करवा लो अरदास मैया के जागे में करवा लो अरदास मैया के जागे में जिसने ये अरदास कराई उसको जाने ये महामारी उसकी हो जा तो ही सहाय पर दे गुफा के बीच रहने वाली महारानी गवारे तेरे आए हुए हैं दे गुफा के बीच रहने वाली महारानी दवारे तेरे आए हुए हैं बेड़ा पार करो माँ मेरा उद्धार करो माँ मेरी सेवा वाली माँ मेरी जिसको करवाना है जल्दी से करवा लीजिए सोचिए मत हमने कहा अरदास सभी को करानी है हाँ अपने श्रद्धा अनुसार शक्ति के अनुसार सभी आइए यहाँ हरे की करा चाहे ग्यारह की करा मैया की अरदास करा की करा चाहे ग्यारह की करा मैया की अरदास करा ऐसा मिलेगा दर कहाँ मिलती है मुरादें सब यहाँ की करा चाहे ग्यारह की करा अरदास तेरी सदरी की अरदास माँ तेरे चरण कमल के पास इनके कारज कर नाराज इनको सालों साल बुलाना इनके घर में बरकत लाना महारानी तो ये भंडार भर दे महारानी तो ये भंडार भर दे महारानी दवारे तेरे आए हुए हैं कैसा सुंदर माता का दरबार छा रही यहाँ चारों तरफ बहार कैसा सुंदर माता का दरबार छा रही यहाँ चारों तरफ बहार तू जान ले पहचान ले तू जान ले पहचान ले ऐसा मिलेगा दर कहाँ मिलती है मुरादें सब यहाँ करा चाहे मैया की अरदास करा चाहे करा मैया की अरदास करा भैया
कथा सुनाता हूँ भक्तों, आज मैं तारा रानी की परम भक्तिनी जो थी जगदम्बे मात भवानी की, बोल सच्चे दरबार की। एक राजा स्पर्श थे, माँ के भगत थे, माँ की कृपा हुई उनकी, माँ अपने भक्तों पर कृपा करती है। अगर हमारे अंदर भक्ति है, कहते नहीं भक्त भगवान से भी बड़ा होता है, भक्ति है तो भगवान को माता जी को दौड़ के आना पड़ेगा, हमारे काम को करना पड़ेगा। याद करेंगे, याद को उल्टा क्या हो गया, याद इसका उल्टा कर दो, दया, इसी चीज को याद करेंगे तो उनकी दया होगी हमारे पे। माँ की कृपा हुई, राजा स्पर्श पर उनके घर में कन्या आई, ब्राह्मणों को बुलाया गया, कुंडली पत्रा देखा गया, ब्राह्मणों ने कहा कन्या बड़ी सुखड़ी में पैदा हुई है और उसका नाम तासे निकला, उसका नाम तासे क्या लिख दिए, तासे क्या होता है, सारे बोलो, एक जोर से बोलू, तासे, उसका नाम तारा रख दिया। उस दिन बाद एक दूसरी कन्या आई, फिर ब्राह्मण को बुलाया गया, कुंडली पत्रा देखा गया, ब्राह्मण ने कहा एक कन्या अनिष्ट घड़ी में पैदा हुई है, ये आपके खानदान का नाम दुबा दी, कहीं कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जस करत तो तस फल, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, वो गफलत की नींद में सोने वालों धोखा खाएगा, हमारे कर्म जैसे हैं उसी हिसाब से फल मिलता रहता है। इसलिए तुलसीदास भी लिख दिए कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जस करत तो तस फल चाखा, यानी हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की। बोले कन्या की शरीर में पैदा हुई, आपके खानदान का नाम डुबा देगी। राजा ने कहा पंडित जी से, महाराज दोबारा देखिए क्यों ऐसा हुआ, एक राजा की दो दो कन्या, दोनों के भाग अलग अलग क्यों हो गए। ब्राह्मण ने बुरा भाग करना शुरू कर दिया तो राजा को बता रहे हैं, महाराज ये दोनों कन्याएं पहले इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी, नाच गाने का काम किया करती थी। एक दिन इंद्र के दरबार में लेट आने से इंद्र से कुछ बात हो गई उनकी, इंद्र ने क्रोध में श्राप दे दिया तो उन्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। उन्होंने क्षमा याचना किया लेकिन इंद्र ने कहा श्राप जो निकल गया वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। दोनों बहनें राजा दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में फिर पैदा हुई है, तारा रूपमण। दोनों बहनें एकादशी का व्रत करती थी, एकादशी का व्रत बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत सुबह बुझ करना चाहिए। एकादशी का व्रत था, तारा ने रूपमण से कहा जा प्रसाद का सामान लावा जा रहा, उसने कही दुकान पर भीड़ लगी थी, वहाँ क्या बिक रहा था, मांस, उसने ले लिया, दोनों ने प्रसाद ले लिए, एक दोनों तो चक्री खा गई, एक दोनों लाल जरा दिए, तारा ने देखा बोली प्रसाद कहाँ मेरा, उसने कहा मैं यहाँ, उसने देखा मांस का प्रसाद, बोले तेरा प्रसाद बोला मैं इतना खा गई मुझसे भूल हो गई, उसे क्रोध आ गया, दुष्टनी पाप नहीं कुलक्षणी आज मैंने एकादशी का व्रत भंग किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा जन्म ऐसी होनी होगा, तेरा भोजन मांस ही रहेगा। बोल सच्चे दरबार की। बिल्कुल धीरे से बोलो, यहाँ सुन लेंगे तो हाँ सच्चे दरबार। उसने कहा मैं तेरे श्राप दे दिया, उद्धार का भी कोई रास्ता बता दे। उसने कहा जिस समय किसी की जान बचा लेगी उसी समय तेरा उद्धार हो जाएगा। बोल सच्चे सिपली की होनी में चली गई, एक वन में घर बनाकर रहने लगी एक पेड़ के ऊपर। द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव के हाथों से कौरवों की सेना मार दी गई, कौरव सोच में पड़ गए, पांडव भगवान के पास पहुंच गए, बोले प्रभु आपने क्या कर दिया, हमारे हाथों से हमारे भाई बंधु को आप मरवा दिए, हम आपके भागीदार हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा एक प्रस्थान करिए देवी के नाम का, ब्राह्मण को बुलाइए, पूजा पाठ कराइए, उनको भोजन कराइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, जिससे आपके सारे पाप
भूल जाएंगे। बोलो सच्चे जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जरा हाथ उठाओ और उठाओ, प्रेम से बोलो, ताली बजाओ, जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज खोलो, जोर से बोलो, माता आई दर्शन कर लो, जरा प्रेम से बोलो, अरे मुँह तो खोलो, तू दर्शन कर लो, दो माता आई, जरा जोर से बोलो, बोल सच्चे दरबार की, माता जी का जागरण है, है तो जयकारा लगाना पड़ेगा, सच्चे दरबार की, उसने कहा मैंने तेरे श्राप दे दिया, मेरा उद्धार का रास्ता बता दे। बोला जिस समय किसी की जान बचाएगी उसी समय तेरा उद्धार हो जाएगा। एक बार में रहने लगी पांडव ने उसी बने बहुत बड़ा जग किया, अनुष्ठान किया देवी के नाम का, रावण को बुलाया पूजा पाठ। वहाँ एक दुर्वासा ऋषि थे, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया लेकिन क्रोधी थे, क्रोध में नहीं आए। बोले सवाल है तो किस तरीके आएंगे। जब वहाँ से शुरू हो गई उन्होंने माया से पक्षी का रूप बना लिए, एक मरा हुआ सर्प ले लिए पंजे में, जाते ही ऊपर बैठ गए जहाँ प्रसाद बन रहा था, मौका पाते ही मरा हुआ सर्प प्रसाद के अंदर डाल देते हैं। बोल सच्चे छिपली पेड़ से देख रही जा तो राखे साइया बाल न बाका करी सके जो जग पेरी। उन्होंने तो साफ डाल दिया कि प्रसाद खाएंगे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन छिपली पेड़ से देख रही थी धीरे धीरे नीचे उतर आई, प्रसाद के अंदर छलांग लगा दी, छिपली तैरती रही, उसे दोबारा श्राप मिल गया। भंडारी को बुलाया गया, प्रसाद जहर बनेगा इकट्ठा खोल के डाल दे, कोई जानवर खा जाए खत्म हो जाएगा। प्रसाद ले गया भंडारी इकट्ठी को डाल रहा है, सांप की हड्डियां निकलती है। भंडारी दौड़ा हुआ है महाराज आज अगर छिपकली नहीं होती हम सारी के सारे मारे जाते हैं, छिपकली हम सबकी जान बचाई, इसे शराब बेकार के दे दिया गया, उसे दिया हुआ शराब वापस नहीं होता, इसे आशीर्वाद देता हूँ। इसका जन्म राजा के घर होगा और इसकी पालना पोसरा एक छोटे परिवार में होगी। बोल सच्ची दरबार की, ये वही दोनों को न्याय है जो आपके यहाँ जन्म की देखो। राजा ने कहा फिर इस कन्या को क्या किया जाए। बोले महाराज आपकी कन्या है, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह खान खर्च आपको सबको देना है, आप एक काम करिए एक लकड़ी का बक्सा बनवा दीजिए, बक्से के अंदर कन्या को बंद करवा दीजिए, ऊपर हीरे जवाहर चढ़वा दीजिए, गंगा जी में जल प्रवाह कर दीजिए, घर के लालच में कोई भी सबको निकाल देगा, कन्या का पालन पोषण कर लेगा। बोल सच्चे एक बक्सा बनवाया गया उस पर हीरे जवाहर चढ़वा दिए, बक्से के अंदर कन्या को बंद कर दिया गया, शाम का वक्त था गंगा जी में जल प्रवाह कर दिया गया, बक्सा का पालन चला जा रहा है। बोल सच्चे सुबह का वक्त था, एक पंडित जी स्नान कर रहे थे गंगा जी किनारों की नजर पड़ी बक्से पर, बक्से के पीछे लग गए नहाना धोना छोड़ के, लेकिन उनको बक्सा नहीं मिलता, क्यों अगर उनको बक्सा मिल जाएगा तो कन्या उनके यहाँ चले जाएंगे। उसे शराब था, एक भीड़ बेचारा कुछ दूर के था, पंडित जी ने आवाज़ लगाया एक बक्सा निकाल लें, उसने कहा महाराज मैं देख रहा हूँ आप पीछे नहीं हो, पहले बंटवारा कर लो। पंडित जी का बंटवारा कर लूँगा, पहले बक्सा निकाल लें, बक्सा निकाल के लाया। पंडित देख रहे हैं ऊपर हीरे जवाहरात चढ़े हुए हैं, अंदर पता नहीं क्या होगा। पंडित जी बंटवारा करते हैं, ऊपर कमाल लहरा है नीचे कमाल, नीचे कमाल ताला तोड़ा गया, सुंदर कन्या पैर में उठा छूस रही थी, पंडित जी बक्सा ले लिए अपने घर की तरफ चल दिए, तो बेचारा फिर कन्या को गोद लिया, उसके घर में कोई संतान नहीं थी, रोज फरियाद करता था गंगा माँ जिस कोई फरियाद जमे कोई एक औलाद दे दे, कोई एक औलाद दे दे। लेकिन अपने घर पहुँचता है, घर वाली को आवाज लगाता तारा देख तेरे लिए कितनी सुंदर कन्या लाया हूँ, अंदर से आवाज आती है कन्या इस माँ को देना होता तो मेरी कोख से देती, तो किसी कन्या उठा कर लाया है, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। बोल सकते ले जाए इसे वापस गया। उधर पंडित जी बक्सा लेकर अपने घर पहुँच रहे हैं, पटकानी बोली पंडित जी से बक्सा कहाँ से लाए। बोले बल्लभगढ़ से। कौन सी कॉलोनी है। आदर्श नगर से बक्सा लाए।
आपसे मांग नहीं करूँगा कहानी लेकिन मैं जोड़ना पड़ता है। वहाँ हमने जागर की तो वहीं मिला था पंडित जी ने कहा भोजन, बोले महाराज हुकुम करो, बोले आज घर में माल आया भोजन बना डाल सब कुछ। पंडित जी के यहाँ सब कुछ बन रहा था तो बेचारा घर में घुसने नहीं पाया। दौड़ो दौड़ा पंडित जी, ये पंडित जी आपकी जय जयकार है, बाकी सब बेकार है, आपके यहाँ माल बन रहा हम घर में घुसने नहीं पा रहे हैं। पंडित जी जल्दी जाए उसके घर, उसको समझाया जाए, बोले देख पराया घर है, आज तेरे घर रहेगी कल और कहीं चली जाएगी, इसे पाल ले। बोल सच्चे कन्या का बोल लिया, माँ की ऐसी कृपा हुई जो ऑटोमेटिक दूध आ जाता है उसको। बोल सच्चे इसी तरह दोनों बातें बोल रही थी, एक राजा की कन्या दोनों के भाग, एक माँ बाप के चार संतानें होती हैं चारों के भाग, सच्चे गलत है उसके दोनों के भाग कर्मों के अनुसार से गलत पड़ गए। इसी तरह दोनों बहने शादी लायक हो गई। हिमाचल प्रदेश में एक हरिपुर शहर था, वहाँ एक राजा हरिश्चंद्र थे, वहीं तारा की शादी हो गई। और उसी शहर में एक फील के यहाँ रुक्मण की शादी हो गई। रुक्मण की शादी जिस घर में हुई, रुक्मण के साथ तारा के बंगले में जाती थी, साफ सफाई करने भक्ति दोनों बहने कर रही हैं, भक्ति किसी की कम नहीं है, पर कर्म का चक्कर है, कर्म अलग अलग हो गए। देखी मेरी बहू अच्छी है, उसने कहा तू घर के अंदर का काम कर ले, मैं बाहर का कर लूंगी। लेकिन वक्त एक दिन ऐसा आता है सभी को बाहर निकलना पड़ता है, सास भी कभी एक दिन बहू को कहीं जाना पड़ गया, उसने सास को जाना पड़ गया, उसने बहू से कहा जा आज मुझे को सफाई करना। बड़ी खुशी हुई उसको माँ के दरबार में जाने का मौका मिला, खुशी खुशी गई, ना झाड़ू ले गई ना पानी ले गई, अपने बालों से मंदिर की सफाई कर रही थी। बोल सच्चे कितनी उसकी सास आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है उसकी सास, कहाँ पर आ गई मंदिर आ गई, जोर से बोलो ना क्यों करो, उसकी सास कहाँ पर आ गई, तो सो रहे हो तो कथा कहाँ से समझ में आएगी। आप अपने घर से बाहर जाओगे वापसी में कहाँ जाओगे, अपने घर से बाहर जाओगे वापसी में कहाँ आओगे, घर पे आओगे ना, वो भी घर पे आ जाता है। घड़ी का टाइम देखा बहू नहीं थी, फिर समझ गई, जाके मंदिर में देख रही बहू बालों से सफाई कर रही थी, इसने अरे वाह अच्छी खासी बहू, मैंने तेरे दरबार में भेज दिया, तेरे किसी पागल कर दिया। बहू सास को समझा रही, वहाँ क्या कह रही थी, ये देवी देवताओं का स्थान, यहाँ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू कहाँ लगती है, सड़कों पर लगती है, नालियों में लगती है, छतों पर लगती है, सास समझे घुमा दी गई, मैं किसी पागल समझ रही थी, चली गई घर सास बोलू। कर्म के हिसाब से मां सोचने का काम था, शाम के होकर टोकरे में मां से होकर बाजार से जा रही है, तारक यहाँ जागरण हो रहा था, आज के दिन दो जागरण है, एक यहाँ हो रहा है तारक यहाँ। ढोलक सैनी की आवाज सुनी, सास बहू दोनों जाके बैठ गई, सास को फट गई चली गई, बहू रात भर बैठी हुई वहां जागरण हो रही, सलाम हुआ भजन करता कहा घर चले, जागरण सब पूर्ण हुआ, तारा ने सबको प्रसाद दिए, बाहर देखी रूपा बैठी हुई थी, उसने पहचान लिया, बोले भाई प्रसाद ले, उसने कहा मैं तेरी बहन, तू राजा की रानी में महम रानी तेरी बहन कैसे हुई है, उसने कहा तेरे कर्म खराब है, कोई किसी सड़क नहीं है, यहाँ हम लिया है तुम्हारा कोई रिश्ता होगा, यहाँ जिसका रिश्ता हो पहुँचता होगा, नाम का फर्क है जात का फर्क है, रूह एक है आत्मा एक है, कर्म के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। बोल सच्चे ये प्रसाद है, क्या हो रहा था जागर जागर होता क्या, शक्ति का दरबार है, कोई अगर सच्चे दिल से फरियाद करता है तो खाली नहीं जाता, मानने तेरा कुछ को अर्पण क्या लागे दे रहा, तेरा दिया हुआ सब कुछ अर्पण कर दिया, मेरा क्या है कुछ नहीं, क्या मिलेगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरा ही है तुझे अर्पण हो रहा है। बोल सच्चे उसने कहा बाहर मेरे पास एक बच्चा नहीं है, एक अरदास लगा दिया, उसने एक अरदास लगा दिया, 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पाते ही माँ को भूल गई, सुख दिन आ गया, सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करे दुख, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे, हम सुखी हो गए लेकिन देवताओं को भूल गए, होता है
हरदम नाम लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, एक प्रतिज्ञा बना लेनी चाहिए, दूसरा काम छूट जाए लेकिन हमारा जो संकल्प चल रहा है वो नहीं छूटना चाहिए। बोल सच्चे, बोल गई। बच्चा 5 साल हो गया, बच्चा बीमार पड़ गया, चेचक निकल आई, डॉक्टर के पास गई, वैद्य के पास गई, बच्चा ठीक नहीं हुआ, जान मुश्किल में पड़ गई। इंसान की जान मुश्किल में पड़ती कहाँ पड़ जाता है, जान संकट में पड़ती है तो कहाँ पड़ जाता है मनुष्य, या तो दवा लेता है या तो दुआ, या तो डॉक्टर के पास जाएगा या तो संत फकीर के पास जाएगा, दुआ लेने के लिए दो ही रास्ते हैं, उसकी जान संकट में पड़ गई। कोई भगत मिला, डॉक्टर के पास गई, हकीम के पास गई, वैद्य के पास गई, बच्चा ठीक नहीं हुआ, कोई भगत मिला उसे सलाह दी, जा एक तारा रानी माँ की भगत है उसके पास चली जा, हो सकता तेरा बच्चा ठीक हो जाए। बोल सच्चे, गोद में बच्चे को लिया, तारा के पास पहुँच गई, गांव मेरा बच्चा बीमार, उसने ध्यान किया, उसे पता चल गया, उसने कहा तैने माँ के दरबार में कुछ गलती की है, उसने कहा तू याद कर ले तैने गलती की है, बोले मैंने क्या बोले, बोली जा जागरण करा ले तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। पंडित जी के पास गई, पंडित जी ने कहा जागरण कर दो, पंडित जी ने कहा मंदिर में पैसे दे जाए जागरण कर दो, उसका जागरण हो गया पैसे। माँ ने तारा को दर्शन दिए, दर्शन दिए माता जी ने, खुश होकर बोली क्या चाहिए, मैं तृप्त हूँ तारा तेरी भक्ति से, ले माँ तेरा जो जी चाहे। तारा ने कहा माँ है राज पाठ और पुत्र सभी, सब कुछ है तेरे के पास, हसला घोड़ा और हाथी है, माँ गजरथ महल वाले भी फौजे पलटन भी काफी है, कर देना चाहे बात, माता जी ने सुन लो क्या मांग रही है, भक्ति का वरदान मुझे भक्ति दे दे माँ, अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दे, मैं तेरे नाम का गुणगान करूँ। बोल सच्चे दरबार की। माँ ने कहा तारा तलवार के धार पर चलना बड़ा सरल काम है, भक्ति के मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। बोल साचे, साचे दरबार की, दरबार की। कोई दिल से नहीं सुन रहे हैं, एक दो भगत सुन रहे हैं बस, मन ही नहीं लग रहा किसी का। कथा भागवत आजकल सुन के आता है, उसके साथ भी ढोलक बाजा साग वाग रहता है, तब अच्छा लगता है, कुछ दिन बैठती है, सुनो सुनो पंडित जी क्या बता रहे हैं। हाँ हाँ बोलो सच्चे दरबार की। तारा ने कहा है राजपाठ और पुत्र सभी, हसरा घोड़ा और हाथी है, माँ गजरथ महल तुम्हले भी फौजे पलटन भी काफी है, सब कुछ है माँ तेरी के पास, कर देना चाहे आप मुझे। माता जी अब सुन लीजिए, भक्ति में तुम्हारी करती रहूं इतना सब दे दीजिए, मैं चलूँ भक्ति का। माँ ने कहा दूसरा वरदान मांग ले। तारा ने कहा मुझे भक्ति चाहिए। माँ ने कहा मेरी शर्त होगी, अगर तू भक्ति ले तो मेरी शर्त होगी, भक्ति का वर चाहिए, करना नहीं गुरु जहाँ जागरण हो मेरा, तेरे जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़े जरूर, नहीं कुछ भेदभाव तुम रखना, वैश्य शूद्र चित्रवाद कर सको, वैश्य शूद्र कोई भी हो आदर सबका करना चाहते हो, कितना ठाकुर वैश्य मेरे नाम का जागरण कहीं भी होगा तुझे जाना पड़ेगा, सब बात बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तारा ने कहा माँ मैं जाऊंगी, मुझे भक्ति के वरदान दे। माँ प्रसन्न हो गई, बोली तारा तुझे दो वरदान दे रही हूँ, एक वरदान भक्ति का, दूसरा वरदान मुझे दुखी होकर याद करेगी, मैं तुझे जरूर मिलूंगी। बोल सच्चे दरबार की। माँ पर ध्यान हो गई, लेकर वीर को साथ ले लिया, कहाँ जा रही हूँ उनके पास, रुपड़ की सास जो थी पोते को घोम लेने की सोई थी, 5 साल का बच्चा हो गया, उसका जन्म नहीं हुआ था। हनुमान जी को कहा जा सकते हैं, थोक देवा आई है,
हनुमान जी जाके फूक देते हैं, उठ जाती है भूल सच्चे दरबारे की, उसे कुछ दिखता नहीं। माँ घर में प्रवेश कर जाती है, सामने स्वरूप आती है, देखिए आमने सामने बात हो रही है दोनों की। चिता चिता आमने सामने माँ की मूल की बात हो रही है। जागरण बोल रखा था अभी तक नहीं कराई माँ, अच्छा हुआ टुआ नहीं, मैं तेरा जागरण बोल के माँ परेशान हो गई। और ऐसा कर भरत को बता दे जागरण में कराऊंगी, बोले चल ले ले चल। कहाँ गए राठी परिवार, कहाँ गए राठी परिवार, चल दिए थे यहाँ पर या बना के रखे हैं जो चावल पीले होते हैं, पीले चावल उनको दिए थे जिन्होंने जागरण कर रहे थे, उनको पीले चावल दिए थे आप, पीले चावल करके दिए थे भाई जी को, चल चल नहीं दिए थे, चलो इसमें थोड़ा चावल ठीक है, हाँ चलवा तो चला दिया, हाँ ठीक है ले जा तारा को देख चली आप, तेरा जागरण करेगी उसकी परीक्षा भी हो जाएगी, तेरा जागरण हो जाएगी, डर लेके जाके तारा के पास पहुंच गई, जमीन पर दिया तारा को बोल आया उसने तारा रख दिया उसको, बोली मैंने जागरण नहीं कराना मैं जाना है, उसने कहा मैंने तुझे मारा किस लिए, तूने माँ के डर का अपमान किया है, इधर बड़ी इज्जत के साथ दिया जाता बोल सच्चे दरबार की, दरबार की दरबार की दरबार की, जा तेरा जागरण कब करना बोल जब तेरी मर्जी, पर्चा दे दिया बोला तेरा जागरण आज ही होगा आज, जा सामान इकट्ठा कर ले सबके यहाँ बुलावा दे दे। राजा शिकार करने गया, शिकार करके वापस आएगा, मौसी खिला पूजा सुला के तेरे जागरण में आ जाऊंगी बोल सच्चे। की बात सारे शहर में फैल गई, आज राजा की रानी रुकड़ यहाँ जाएगी जागरण करेगी प्रसाद खाएगी, राजा को खिलाएगी, राजा शिकार करके वापस आ रहा था, शाम को रुकता था बाजार में बैठ गया गाड़ी बनवाने लगा, एक सेना नहीं था जो राजा की गाड़ी बनाता था, थोड़ा सा सालों राजा के मुंह में चला गया, राजा दुष्ट गुस्से में बोल रहा दुष्ट पहले मेरा ईमान भ्रष्ट कर दिया, नहीं कहा राजा आपका मुँह आपके मुँह साबुन आपके मुँह में चला गया, आपका ईमान भ्रष्ट हो गया, आपकी रानी तारा रुकड़ यहाँ जा रही जागरण करने, वहाँ प्रसाद खिलाएगी आपको खिलाएगी, फिर आपका ईमान कहाँ जाएगा, राजा चौक पड़ता है बोला सच का हाँ बोला मुझे जाने में कोई भय था, उस तरह लगा दिया मुझे चीरा लगा दिया, हमें तो बच्चे डाल दिया राजा चौक पड़ता है, मैंने क्या कर दिया मैंने ठीक कर दिया राजा साहब, इसे रात भर दर्द होगा तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी तो रानी जागरण में नहीं जाएगी बोल सच्ची। राजा घर पहुंच गया, फिर से देख लिया रानी भोजन बना के तैयार रखी थी, राजा ने महलों के चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दिए, ताले लगवा दिए, रानी भोजन खिला पिला के राजा को सुला दिया, राजा सो जाए मैं जागरण में चली जाऊँ, लेकिन राजा को नींद कहाँ, पतला पतला डाल के देख रहा है, फिर उसे चैन नहीं है, बोला रानी आज मुझे कष्ट है मेरे पास हुआ, रानी आके बैठ गई, कहते पति परमेश्वर का आरोप होता है पति, अरे बोलो ना पति, तुम्हारा ऊंचा पति है तुम उससे भी ऊपर हो, बता दो पति प्रधान होता है क्या होता है और क्या होती है महान, पति केवल प्रधान होता है औरत महान, कौन बड़ा हुआ महान, बड़ा हुआ प्रधान महान हुआ ना, हाँ तो तुम पति पर अवसर करने के डर रहे हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बोल सच्चे दरबार की। रानी बैठ गई, रानी के चंगे प्रवेश समझ कर राजा सो रहा है, देखता हूँ कैसे जाती है, लेकिन माँ ने कहा था रानी मुझे याद करेगी मैं तुझे जरूर मिलूंगी, उसने माँ का ध्यान किया, ठंडी ठंडी हवा चली राजा को मिल गया, फौरन उठाया एक झोला आगर में आकर खड़ी हुई, देखे दरवाजे बंद पड़े साकर रोहित पड़ी हुई माँ से भर जाती, माता जी भी क्या रस्ते हो गए बंद,
पल पल देरी हो रही माँ काटो आकर काटो आकर फंद माँ तो मैं तेरी शरण में आऊं बचन दिया रुकमणी को माता कैसे बचन निभाऊं मुझे जगराते है जाना लौट कर घर भी है आना माँ से विनती कर देना भैया उसकी आंखों में आंसू आ गए। देवी देवताओं को पकड़ने का दो ही उपाय है आंसू आ जाए ना पकड़ो नहीं तो लठ लेके खड़े हो जाओ यही दो रास्ता है पकड़ने का बीच वाले नहीं पकड़ पाएंगे बिल्कुल भी एक तरफ चलना पड़ेगा कभी कामयाबी मिलेगी बोल सच्चे दरबार की दरबार की तारा रानी के जमी बहे नयन से धार आंसू आ गए उसको तारे डूबे एकदम सो गए पहरेदार पहरेदार सो गए काले अपने आप टूट गए कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे 12 बजे के काले हमारे देवी देवताओं में शक्ति काले अपने आप सनातन धर्म में बड़ी शक्ति है युद्ध करने वाला होता हम भी माँ के सहारे पड़े हैं सब छोटी बड़ी देख रहे यहाँ भेज रहेगी वहाँ भेज रहेगी वहाँ भेज रहेगी जब कोई प्रॉब्लम नहीं कल फिर यहीं आना और सच्चे दरबार अधी रात बादल गरज रहे हैं बिजली कड़क रही उसको ये घुन लगी है माँ के दरबार में जाने की चली जा रही है गानों से सजी थी अच्छे अच्छे तोहफे पहने थे चोरों ने पीछा कर लिया से लोगियों लेकिन चोर हाथ नहीं लगा पाया गुस्से में खड़े मार दिया पाल गिर गई रानी की रानी आगे निकल गई उसने पाल के समझा राजा की नींद खुली पीछे पीछे राजा जा रहा है वही चोर बैठा हुआ है राजा की रानी का है रानी पहुंच गई वहां रुकमणी के मोहल्ले में वहां जाके सामान मंगाया सारा पूजन को तैयार किया ज्योति जैसे समय हुआ प्रभात प्रभात की गाई गई गीत सारी रात कौन सा गीत पहले के सुनने लगा सारी रात में थोड़ी और कहीं गीत सारी रात मेहंदी लही लगाए तारा रानी ने तभी था पे दिए लगाए चंदन की धार चढ़ाती है जल्दी से तारा ले रानी बड़ी दी पकड़े की उसके हाथ आने ले जाना पकड़े की बड़ी चली सभी को पता चला बोल सच्चे दरबार की रुकमणी के यहाँ जो जागरण हुआ है उसने कलश होमा है रुकमणी सबसे पहले थोड़ा चावल डालो उसे मारा राठी परिवार के लोग पूजन कर रहे थे बुलाओ दो हमको हाथी है बहुत सच्चे लोग हैं नहीं लगेगा नहीं लगेगा हाँ आप आइए जरा सामने जाएगा जब तक लैपटॉप पे है वो दोनों परिवार के सब परिवार के हाथी से इसको दे रहा है लाके सब कोरोना नहीं चुप रहा बदल क्यों नहीं होते ऐसे लोग बंद कर लो सब को दिखाते हैं वहाँ तारा रानी को प्रसाद दिया जा रहा है सबसे पहले तारा रानी को प्रसाद क्या मिलता है वहाँ और यहाँ भी तारा को प्रसाद मिलेगा उनके चावल बकरे का सर दिए चार पैर झोले में धर जय माता जी जय माता जी कहती तारा अब जाती हर बोल सांचे दरबार की प्रसाद को झोली में डालो थोड़ा पैसे वालों ने दिया ना
को प्रसाद क्या दिया गया? लेकिन लग जा रहा था उसमें खुल के चावल बकरे का सर चार जय माता जी जय माता जी कहती तारा जाती घर राजा राम पर बैठा बड़ा प्रसन्न था प्रसाद देखते ही आपको बुला हो गया भ्रष्ट कर दिया तलवार लेके रस्ते में खड़ा हो गया बोल सच्चे रानी को क्या पता राजा आया है रानी को बस प्रसाद जी झोली पकड़ के माँ का नाम जपते चली जा रही जय माता जी झोल से बोलो सारे बोलो अरे सोते बोलो प्रेम से बोलो जोर से बोलो दिखा तेरी झोली में क्या रानी डर गई अगर राजा का ये रोपण का प्रसाद मेरी झोली में निकल आता आज राजा मेरी छुट्टी कर देगा बोल सच्चे राजहट बड़ी अच्छी बात है सुन लेना सभी राजहट भाइयों के लिए खास कर बालहट जोगी हट तीन हो गए एक हट और है क्रिया इसको बुद्धिमानी से श्रद्धा लेना चाहिए ना नुकसान हो जाता है बच्चा कहता है चंद्रमा चाहिए चंद्रमा क्यों लागे देगा उसको समझाना पड़ेगा जोगी कोई सन्यासी उससे भी हट नहीं करना चाहिए राजाओं से भी हट नहीं करना चाहिए राजा ही बोले होते हैं और बाकी तो सामने हैं जिनका हट में बड़ा खतरनाक होता है समझा बुझा के समझा ले तो उसी में भलाई है बोल सच्चे दरबार की रानी समझ गई राजा हट कर रही है मानेगा नहीं बातचीत करते करते घर पहुंच गए रानी ने कहा राजा माँ के पंच को जानना चाहता है तो बच्चों को कुछ करना पड़ेगा राजा को विश्वास नहीं हुआ झोली के अंदर हाथ डाल देता है सबसे पहले राजा के हाथ हो बकरे का सर आया बाहर निकाला तो नारियल बन गया बहुत सच्चे दरबार माँ की कृपा से हुई राजा चौंक पड़ा दोबारा हाथ डाला फिर निकाला तो फूलों की माला बन गई तीसरी बार डाला तो छड़ी बन गई चौथी बार फिर हाथ डाला तो छोटे छोटे के ऊपर छोड़ के प्रसाद बन गए अभी आपको मिलेगी बोल सच्ची राजा का आप तो जादू जानते हैं कोई जादू नहीं मेरी माँ का पंथ है मेरी माँ का पंथ को मैं जानना चाहता हूँ मेरी माँ के पंथ को जानना चाहते हैं जो कुछ कहूँगी तो करना पड़ेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ बता तेरी माँ का क्या पंथ है राजा चिल्ला मत तेरा एक अच्छा है ना उसको काटना पड़ेगा राजा तलवार उठा लिया मानो से बच्चे को आवाज दिया बच्चा दौड़ा हुआ आया सर धड़ा लक्ष्य कर दिया बोल सच्ची दरबार की राजा हिल गया अरे रानी तेरे पुत्र दिया रोहित तो तेरो जायो राजा तेरा घोड़ा जो बड़ा प्यारा उसको भी काटना पड़ेगा बोले बता छोटे छोटे टुकड़े कर ले बेटा छोटे छोटे टुकड़े कर लिया अब बता चूल्हे में रख दे रख दिया बता इसमें आग लगा दे सुना मैंने नहीं रानी काम मुझसे नहीं होगा तेरी माँ में शक्ति है तो चूल्हे में अपने आप आग लगनी चाहिए बोल सच्चे चलो हाथ पड़े भोजन लाइए तारा माँ से फरियाद कर रही है हम लोग भी कर लेने का समय शायद कुछ मिल जाए हरे मेरी लाज बचा ले महारानी आरी खोलो सो मेरी लाज बचा ले महारानी
तेरा सदा भरूं मैं पान, अब मेरी लाज। सोने का लोटा गंगा जल पानी, बोलो सर। स्नान कराऊं महरानी, तेरा सदा भरूंगी मैं पानी। अब तू सबकी लाज बचा ले महरानी, तेरा सदा भरूं मैं पानी। अब सबकी इसी हिसी चंदन माता भरूं मैं कटोरी, अरे घिसी घिसी चंदन माता भरूं मैं कटोरी। तोहे तिलक लगाऊं महरानी, तेरा सदा अब मेरी लाज बचाले मह पान। सोपारी मैया ध्वजा और नारियल, ओ पान सोपारी मैया ध्वजा और नारियल। तेरी भेंट चढ़ाऊं महरानी, तेरा सदा अब मेरी लाज बचल महरानी। गिरी चुहारे माँ किसमिस मेवा, तोहें भोग लगाऊं महरानी, तेरा सदा भरूं मैं पानी। अब तोहें तेरा सदा अब मेरी लाज बचाले महरानी। जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, थोड़ा ताली बजा लो, आवाज खोलो, दो माता राई दो दर्शन कर लो। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, वो जिंदिया बोलो, वो दर्शन कर लो। बोल सच्चे दरबार की, माता जी का जागरण है तो क्या कारण बताओ, अभी खत्म नहीं हुआ। बोल सच्चे दरबार की, माँ का ध्यान किया। ज्वाला जी से चिंगारी चली, चूड़ी मांग लग गई, खाना बनकर तैयार हो गया। माँ ने आके आदेश दिया, राजा पास थाल लगा ले। हाँ भोग लगा दिए, देख दे दिए। हाँ हाँ तो आ जाए, पाँच भोग लगे हुए मंगवाली जी, एक भोग लगा कुछ को दे देना, मिला देंगे। हाँ पाँच भोग है चना होगा भगवानी जी। भोग सच्चे दरबार की, राजा एक थाल उठा ले, उठा लिया, अपने बेटे को दे दे। बेटा तुम्हें काट दिया हूँ, आवाज लगा। राजा आवाज करता है, बालों से पुत्र दौड़ा हुआ चलाता है, घोर साचे। दूसरा थाल उठा ले, उठा लिया, घोड़े को दे जा, घोड़ा मां ने काट दिया हूँ। दूसरे घोड़े को दे के आ जा। राजा घोड़साल में गया, वही घोड़ा उसको मिला जिसको उसने प्रसाद जो ले गया था, किसका था वो, मांस का था। प्रसाद क्या बन गया, चना हलवा, फटाफट घोड़ा खा गया। बोल सच्चे, राजा दौड़ा हुआ आया, माँ के चरणों में गिर गया। माँ आज से मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, माँ ने कहा भगत तू नहीं भूलेगा, मैं ही तुझे नहीं भूलूंगी, तू एक कदम चलेगा मैं 10 कदम आऊंगी। भक्तों एक कदम बढ़ा कर तो देखिए, मंजिल मिलेगी पांव उठा कर तो देखिए। भक्ति है कैसी आप समझ जाइएगा खुद, पहले आके चरणों में सर झुका कर तो देखिए। बोल सच्चे दरबार। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ इसके ऊपर, राजा प्रसन्न हुआ किसके ऊपर, माता रानी के ऊपर नहीं हुआ।
अपनी धर्म पत्नी गोबर हुआ रानी के ऊपर, रानी नहीं होती तो राजा को मार्गदर्शन नहीं देती। अरे गुरु गोविंद खड़े बलिहारी गुरु आपने गोविंद की हो मिला। एक चेला था गुरु का, गुरु पूजा कर रहे थे, चेला कहा महाराज क्या कर रहे हो? बोले भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। बोले मुझे आज मिला दो नहीं तो मार दूंगा तुम्हें। चेला लठ लेके खड़ा है, गुरु डर के मारे माला फिरा रहे हैं, गुरु जी उठ नहीं रहे हैं। चेला लठ लिए खड़ा है, भगवान को प्रकट होना पड़ा, आगे गोविंद खड़े हो गए। चेला देख रहा है गुरु जी बैठे हैं, गोविंद भी खड़े, पाए किस करो। उसे अकल आ गई, अगर गुरु जी नहीं होते तो गोविंद जी नहीं आते। जाके पहले गुरु के चरणों में पड़ गया, बोल सच्चे दरबार की। इसलिए राजा भी रानी से बड़ा प्रसन्न हुआ। रानी से राजा कह रहा मैं धन्य हो गया तेरी जैसी धर्म पत्नी पाकर, आज वरदान मांग ले। रानी ने कहा वरदान क्या देना है राजा? माँ की कृपा से सब कुछ है, वरदान देना है तो एक काम करिए, एक माँ के नाम का मंदिर बनवा दीजिए, उसके अंदर माँ की मूर्ति स्थापित करवा दीजिए, बाहर हमारा अपना नाम लिखा दीजिए, आने जाने वाले भगत माँ का दर्शन करेंगे, बाहर निकलकर हमारा आपका नाम पढ़ेंगे, यही नाम जग में अमर होता है। बोल सांचे जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता का, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता, सुखी करनी दुखी करनी तू ही है मामाई, तेरे भगत ने अपने घर में तेरी जोत जलाई, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता का, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता का, सुखी हरनी दुखी करनी तू ही है जगमाता, सुखी करनी दुखी करनी तू ही है जगराता। सारे भक्त करे जागरण पंडित जी साथ निभाता, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता का, जगराता संपूर्ण हो गया मेरी माता का। ये भजन आप लोग गा लीजिए, मात्र भक्तों को आशीर्वाद देती है सेवा। माँ कह रही है हर मंदिर से थोड़ी चलियाँ थोड़ी दिल से पुकार, दिल से पुकारे दिल से पुकारे, कर लो भजन कर लो टाइम है। मंदिर से थोड़ी चलियाँ पहला संदेशा भोले बाबा का आया, थोड़ा बन के चली जाऊंगी मंदिर से, दूजा संदेशा मेरे राम जी का आया, सीता बन के चली जाऊंगी मंदिर से दौड़ी, तीजा संदेशा मेरे कृष्णा का आया, ओ राधा बन के चली जाऊंगी, चौथा संदेशा सारे भक्तों का आया, भक्त के स्वरूप में माँ को बुला रहे हैं, माँ के स्वरूप में आती हूँ, कन्या करूँ धरियाऊँगी
कोई दिल से पुकारे कन्या का रूप धरी आऊंगी, कोई दिल से पुकारे भोले सच्चे दरबार की। बुला जी कहाँ गए, मौसम बैठे थे, आरती होगी, एक संपूर्ण अरदास होगी, यहाँ जाग संपूर्ण हो गया, संपूर्ण जागरण अरदास चालू हो। पचास रुपये करदास, जागर संपूर्ण करदास, तेरी भगत करदास, हाँ तेरी चरणों के पास से कार्य करना, राज को साल साल बुलाना, संसाई देना, सुख शांति देना, वहाँ सुखों का वास करना, दुखों का नाश करना, बोल सच्चे दरबार की। हरे अरदास आई, हे अरदास आई, भागो में बहार आई, भागो में बहार आई, जिसने अरदास कराई उसको जाने जमाई, उसकी हो जा तू सहाई, बर दे दे बर दे दे, गुफा के बीच रहने वाली है। सभी खड़े हो जाइए, बड़े स्थान पर Thank you.
Thank you.
फोन चार्जिंग करना भी तो लगा लो अंदर अभी ले जाए
ला रहे। अरे आप खाओ चम्मच तो ले आओ। अभी अंदर अंदर खाते हैं, अंदर चलते हैं। अरे अंदर आ जाओ, पैक तो करा दो। अरे बंद करा दें। निकालो निकालो। अच्छा निकाल दिया ना। हाँ थोड़ा कम। नहीं नहीं वो मेरे को दे, ये ले ले बस। कम मेरे को पसंद है, तो पैक करवा दूँगा। खाओगे आप क्या? ना मुझे गर्म हो जाए। थोड़ा सा नहीं यार, नहीं नहीं यार अभी अभी पैक करा लेंगे। रात्रि में तो मैं 9 दिन घूम के बना गुरुद्वारे में भी देते हैं। आप क्यों बता दो आपको? वैसे घर में बनवा लो, होटल में बनवा लो, वो टेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा जो टेस्ट आपको गुरुद्वारे में या भंडारे में मिलेगा। हाँ वो जो घी होता है अगली बात वो अलग ही टेस्ट है। हाँ रास्ते में कितना मिल रहा था? नवरात्रि के दिन हाँ कालका जी मंदिर के पास भंडारा लगता है। हमने अल्फला के पास रोक के अच्छा उनसे बकायदा प्रीमियम पैक करा लिया पूरा। ये ऐसी होता है नवरात्रों में, कभी चले जाओ आपको हर जगह मिलेगा। अपने अलग है यार, वो टेस्ट नहीं मिलेगा कहीं। हाँ वो टेस्ट मिलेगा। अभी आपने लिया नहीं? लो अभी ले लो। कमाल की बात है कि वो टेस्ट है ना हमारे पास। मेरे को 8-10 जने पे जाते हैं, मुझे वो काम मिल जाएगा। आपके 800 मिला दूँ, उनके 800 मिला दूँ, मेरे क्या है जॉइंटली सबको काम मिल जाए। क्या क्या बताइए, करोड़ों की लाखों की ड्रेस जिनकी वीडियो आज तक नहीं बनता, फिर हमें करना क्या है? ये देखो ऐसा है, अभी घर जा रहा हूँ ना, ये बात कर लेता हूँ। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो या नहीं ग्रुप में है, बेटर लिंक का मैं क्या अच्छे अच्छे आप तुम पर्सनल टच है उनको बड़ा भाई ऐसी वीडियो अभी बैठे ही चाहिए क्या चाहिए तब बताओ हम कर। ऑर्डर ऑर्डर कर टूर्नामेंट टूर्नामेंट का ऑर्डर लो, ये नहीं सेमीफाइनल फाइनल। Thank you.
पकड़ लो मजा आ गया मजा आ गया ना मतलब कोई चीज छूटी नहीं है चाय मिल गई कोल्ड ड्रिंक मिल गई बिस्किट मिल गया शुरुआत मिल गया फिर क्या मिला और डिनर तो मिल ही गया ये भी मिल गया थोड़ा और ले लो ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग चालू है।